Subscribe now and press the bell icon. सफलता ही हमारा लक्ष्य है। हिंदी ज्ञान गंगा धारा में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। यूपी टीईटी एनवीएस केबीएस टीजीटी पीजीटी की सफलता हेतु चैनल को जरूर अपने साथ बनाए रखें। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है, महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्रायन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रायनियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है नुहेसी पर और इनका एक कोश ग्रंथ है खालिका बारी। राउल बेल जो रोड़ा कवि की रचना है और एक तरीके से ये क्या है, चंपू काव्य है, इसको लिखा ये क्या है, इसकी नायिका कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी नायिका कौन है, राउल। नेक्स्ट चलते हैं, आदिकाल में जो प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है वो कौन सा है? तो आदिकाल में जो जैन साहित्य है वो हमें प्रामाणिक साहित्य के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता हैं? तो इसके कवि इसके रचयिता हैं जयानक कवि। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता। कीर्तिलता इसको लिखा किसने है, आप जानते ही हैं, विद्यापति इसको लिखे हैं। और विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परमात्मा प्रकाश की रचना किसने की है? तो परमात्मा प्रकाश की रचना जो इंदु है, कहीं कहीं नाम इनका यो इंदु भी मिलता है, जो इंदु ही सही है, यो इंदु भी सही है, दोनों सही है। खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताइए। अमीर खुसरो के गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान कौन है? तो आप चार विकल्प में देख के बताएं। तो इसका सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन आता है? सर्वप्रथम हिंदी में बारहमासा का वर्णन विशलदेव रासों में आता है, जो एक विरह काव्य है। विशलदेव रासो एक विरह काव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप देखिएगा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? इसका क्या हो जाएगा सही, हजारी इसका सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, उक्तिव्यक्ति प्रकरण। उक्तिव्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर एक कोश ग्रंथ है। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति के पदावली की भाषा मैथिली है और विद्यापति मैथिली भाषा के कवि भी हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा भी है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसको अभिमान मेरु से भी कहा जाता है, इसके उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्पदंत। पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। खालिका बारी की रचना किस लिपि में हुई है? तो खालिका बारी की रचना किस लिपि में हुई है, फारसी लिपि में।
अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा को हम डिंगल भाषा कहते हैं। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को क्या कहते हैं? पिंगल भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टीईटी केबीएस एनबीएस नेट सभी परीक्षाओं के लिए। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है? मतलब शुक्ल जी पुरानी हिंदी किसे मानते हैं? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल जी पुरानी हिंदी किसे मानते हैं? आप विकल्प देख के बताएं। शुक्ल जी पुरानी हिंदी मानते हैं शुक्ल जी पुरानी हिंदी किसको मानते हैं? प्राकृतिभास हिंदी को। प्राकृतिभास को ही शुक्ल जी पुरानी हिंदी मानते हैं। सरहप्पा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया था। शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम बताएं। कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया था? तो वो कौन सा ग्रंथ था? राहुल बेल। राहुल बेल क्या है? चंपू काव्य। इसको लिखा कौन है? रोड़ा कवि। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी या डीएसएससी या यूपीएससी के लिए सभी के लिए ये किस प्रकार का काव्य है? एक राजनीतिक काव्य है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? किस ग्रंथ में मिलती है मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा? विशलदेव रासो में। विशलदेव रासो किसका ग्रंथ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्तलता में। कीर्तलता में शिव सिंह का वर्णन है। हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से शुरू होती है? तो हिंदी साहित्य में नक्षिक परंपरा का वर्णन रोड़ा कवि के राहुल बेल से होती है। देखिए उसी राहुल बेल से कितने प्रश्न बन रहे हैं। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति सिंह के। कीर्ति सिंह के ये आश्रित कवि थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे। मित्रों ये वीडियो संपन्न होता है। अब हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा यूपी टीईटी से संबंधित, जिसमें आप संपूर्ण यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी और एनबीएस केबीएस मतलब हमारा जो सीरीज चलेगा वो संपूर्ण व्याकरण से ही होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल के साथ जरूर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।